तो गाइस पोकेमोन की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज एक बार फिर से गाइस हम लोग करने वाले हैं बात पोकेमोन जर्नीज के बारे में, क्योंकि यहां पर बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो मुझे आपको बतानी है। कुछ नए अपडेट्स वगैरह हैं मैं आपको बताना चाहता हूं, जिनसे ना आप लोग को बहुत कुछ पता चलने वाला है। और अभी आप लोग को याद होगा कुछ दिनों पहले हमने एक पोकेमोन जर्नीज के लिए लाइव स्ट्रीम रखी थी, जिसमें मैंने आपको पूरी डिटेल्स बताई है कि डॉन वापस आने वाली है, साथ ही में डार्करा और क्रिसेलिया भी वापस आएंगी, और इससे जुड़ी जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी हमने बात करी थी। तो अगर आपने वो लाइव स्ट्रीम ज्वाइन नहीं कर पाए थे तो हमारे चैनल में मिल जाएगी, जाकर एक बार चेक जरूर करना। अब एनीवेज गाइस हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं पोकेमोन जर्नीज के नई लीक्स के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर डॉन वापस आ रही है, जिसे भी नहीं पता हो तो। और ये रही डॉन, देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा ये क्यूट लग रही है, ये देखो कितनी ज़्यादा मस्त है ना। और एनीवेज गाइस आज हम कुछ अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, और एक और है यार डॉन की पिक, ये देखो कितनी क्यूट है सच में यार। तो यहाँ पर गाइस हमें बात करना है इस बारे में। सबसे पहले मैं तुम्हें ये अपडेट दिखाना चाहता हूँ। वैसे तो यार मैंने लाइव स्ट्रीम में इसके बारे में बात किया था, बट वहाँ पर ना काफ़ी सारे लोग पूरी लाइव स्ट्रीम नहीं देख पाए होंगे, तो यहाँ पर देख लो एक बार। मैं छोटी सी वीडियो बनाकर इसके बारे में तुम्हें अपडेट दे देता हूँ। तो यार यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन आई है, जैसे कोहारू, गो और एश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स, जो कि फ्यूचर में इन कैरेक्टर्स में डेवलपमेंट होने वाले हैं और इनके साथ में क्या होगा। तो यहाँ पर जिसने भी ये इन्फॉर्मेशन दी है वो एनोनिमस है, और गाइज एकदम 100% नहीं कह सकते कि ये कंफर्म है भी या नहीं। तो यार 50% मान लो कि ऐसा हो सकता है, और 50% समझ लो कि ऐसा नहीं भी हो सकता, तुम्हारे ऊपर है तुम क्या सोचते हो। बट एनीवेज यहाँ पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, यहाँ पर इस वाली न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइज यहाँ पर तुम लोग देखो, यहाँ पर आई है कोहारू, मतलब हमारी क्लोई के बारे में इन्फॉर्मेशन। तो इसमें लिखा है सर्च फॉर द फ्यूचर विद ईवी, इसका मतलब यार वो ना जो हमारी कोहारू है वो डॉन के साथ में है, हमें पता ही है। देखो अभी एक पोस्टर भी आया था, तो ये डॉन के साथ में है, तो कोहारू है ना डॉन के साथ में सीख रही है कि कैसा क्या हो सकता है, मतलब वो भी ईवी के साथ में, और जुड़ती जा रही है कोहारू, बहुत ही ज़्यादा जुड़ रही है ईवी के साथ में। फ्यूचर में इनका कोई नया एवोल्यूशन आ सकता है, तो वो डॉन के साथ में जब डॉन को देखेगी कि इसके पास में पिपलप है और ये दोनों इतने अच्छे से साथ में रहते हैं, तो इसको भी रियलाइज़ होगा कि हमें भी ना इतने अच्छे से रहना चाहिए, और इसे भी पता चलेगा कि पोकेमोन्स कितने ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो ये चीज़ ना फ्यूचर में होगी डॉन के वजह से, हो सकता है क्लोई में कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट आए डॉन की वजह से, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ लिखी है फ्यूचर प्लॉट्स इन्वॉल्विंग दीज टू, मतलब यहाँ पर ईवी और साथ ही में कोहारू को लेकर ही, मतलब जैसे कि एश के पास में पिकाचू है वैसे ही बिल्कुल कोहारू का ईवी पोकेमोन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कोहारू एंड ईवी विल मीट मोर ट्रेनर्स एंड पोकेमोन विद डिफरेंट गोल्स, मतलब कोहारू और ईवी दोनों नए नए ट्रेनर से मिलेंगे और जिनके अलग अलग गोल्स होंगे, जैसे कि सरीना, फ्यूचर में सरीना आ सकती है गाइस। सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हें फ्यूचर में सरीना देखने को मिलेगी, जिससे कोहारू भी मिलेगी और उसे समझ में आएगा कि सबके लाइफ के अपने गोल्स होते हैं, क्योंकि सरीना को भी शुरुआत में उसके लाइफ का गोल नहीं पता था, लेकिन बाद में जब यार उस सरीना एश के साथ में रही तो उसे अपनी लाइफ का गोल समझ में आया। इसी तरीके से कुछ होने वाला है कोहारू के साथ में, जब कोहारू सरीना से मिलेगी तो उसे अपनी लाइफ का गोल समझ में आएगा, और साथ ही में मिस्टी से भी मिलेगी और भी बाकी अदर कैरेक्टर से। तो गाइज ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, जो कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि फ्यूचर में तुम्हें सरीना देखने को मिल सकती है कोहारू के साथ, ये एक मस्त अपडेट है, एकदम मस्त वाला। कोहारू एंड ईवी विल टेक द डिफरेंट रूट्स ऑफ एवोल्यूशन मोर सीरियसली, मतलब यहाँ पर उनका एवोल्यूशन हो सकता है, अब यहाँ पर कोई नया एवोल्यूशन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है ये। शायद कोहारू और ईवी को कोई नया एवोल्यूशन मिले जो इससे पहले हमने कभी भी नहीं देखा, एक नया एवोल्यूशन, तो देखते हैं क्या होता है। बट एनीवेज गाइस कोहारू के यार अपडेट्स काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, इससे तो हमें यही पता चलता है कि फ्यूचर में ना कोहारू और ईवी, मतलब क्लोई और ईवी, इन दोनों को लेकर ही स्टोरी चलने वाली है। तो गाइज अगर तुम्हें ये अपडेट्स अच्छे लग रहे हो तो लाइक जरूर करना वीडियो को, अगर तुम लोग चाहते हो कि फ्यूचर में और ऐसी वीडियोस डालूं कि अपडेट्स के बारे में, तो जरूर वीडियो को लाइक करना। एनीवेज हम लोग बात करते हैं अब गो के बारे में, बिकमिंग मोर ऑप्टिमिस्टिक लाइक एश, मतलब गो और ज़्यादा एश के जैसे बनेगा, और ज़्यादा मतलब वो यार इंटरेस्टेड होगा पोकेमोन्स में, और जैसा एश है ना बिल्कुल वैसे ही गो बनते जाएगा, क्योंकि तुम कह सकते हो यार एश ना गो का एक टीचर है, जो भी कुछ एश करता है गो से देखकर सीखता है, वो एक बच्चे के जैसा है पोकेमोन ट्रेनर के मामले में, जो कि सब कुछ ऐश से ही सीख रहा है, जो भी ऐश करता है गो से सीख लेता है। तो यार ये चीज़ आप लोग देख ही सकते हो कि फ्यूचर में गो बिल्कुल ऐश के जैसे बनने वाला है। ओवरकमिंग मोर स्ट्रगल्स एंड डेवलपमेंट, मतलब गो को और ज़्यादा परेशानियाँ होंगी, स्ट्रगल्स होंगे उसकी लाइफ में, और उसका डेवलपमेंट भी होने वाला है कैरेक्टर में, तो अच्छी बात है ये।
बिकमिंग इंडिपेंडेंट ऑफ ऐश एज वेल एज हिज इक्वल एंड अ मोर मैच्योर वर्जन ऑफ ऐश। मतलब वो अपने ऐश के ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड नहीं रहेगा। जैसे ऐश केचम है ना, एकदम खुद से यार वो कुछ कर सकता है, बिल्कुल ऐसे ही गो भी बनने वाला है जो कि ऐश पर डिपेंड नहीं होगा। इसका मतलब हमें गो के खुद के भी एडवेंचर्स देखने को मिल सकते हैं और वो बिल्कुल ऐश के जैसा मैच्योर भी हो सकता है। गो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर होने वाला है फ्यूचर में, बहुत ही अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट है ये गो के बारे में। तो देखते हैं और क्या होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट डिटेल है ऐश केचम के बारे में। ऐश विल बिकम मोर अनबीटेबल एज द स्टोरी गोज ऑन। मतलब ऐश केचम को आगे फ्यूचर में कोई भी नहीं हरा पाएगा, ये चीज यहाँ पर साफ लिखी है। ऐश अनबीटेबल बनने वाला है और वो अनबीटेबल तभी बन सकता है जब वो हरा दे लियोन को, क्योंकि हम सभी को पता है कि लियोन ही अनबीटेबल है। तो यहाँ पर अगर ऐश ने हरा दिया लियोन को तो वो अनबीटेबल बन जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है। ऐश विल बिगन टेक मोर चैलेंजेस, मतलब ऐश और ज्यादा चैलेंजेस लेगा क्योंकि उसे और ज्यादा पावरफुल बनना है। द एसेंस ऑफ ऐश इज एम फॉर द ग्रेटर हाइट्स एंड चैलेंज मोर ऑफ द अननोन। मतलब ऐश केचम यार और ज्यादा चैलेंजेस लेने वाला है, मतलब और बड़े बड़े चैलेंजेस और ऊंचाइयों पर जाने वाला है, और मतलब ऐसे चैलेंजेस ना जो शायद अभी तक हमें बताए भी नहीं गए। अब देखते हैं गाइस वो कौन से चैलेंजेस होने वाले हैं और फ्यूचर में क्या अपडेट्स आने वाले हैं। लेकिन ऐश, गो और कुहारू, इन तीनों में बहुत ही ज्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा और हमें गो बिल्कुल ऐश के जैसे ही मिलने वाला है। मतलब तुम्हें आज जितना अच्छा ऐश लगता है ना, फ्यूचर में तुम्हें उतना ही अच्छा गो भी लगेगा। तो आई होप यार आप लोग को ना ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ रही होगी कि फ्यूचर का ऐश और गो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर सबसे क्यूट तो डॉन है जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रही है। और देखते हैं डार्करा और क्रिसेलिया के बारे में हमें क्या पता चलेगा। आई होप यार इन लोगों के बारे में ना कोई इंपॉर्टेंट डिटेल मिलने वाली है। पर गाइज आज की वीडियो में तो मैं इतनी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ, लेकिन गाइज अभी एक और वीडियो आएगी, कल आ सकती है एक और वीडियो जिसमें मैं तुम्हें एक और अपडेट देने वाला हूँ पोकेमोन जर्नीज का, जो कि बहुत ही मस्त वाला अपडेट होगा, उसके लिए एक अलग ही वीडियो आएगी। तो आई होप यार आज की वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी और तुम्हें इन कैरेक्टर्स के बारे में नई डिटेल्स देखने को मिली है। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और चाहो तो मेरे दूसरे गेमिंग चैनल को भी देख लेना, वहां पर भी गेम प्लेज आते हैं। तो गाइज मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।